इंडिया एक स्टार्टअप कैपिटल बनता जा रहा है किसी भी देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए चाहिए फंडिंग इंडिया में भारत सरकार एक बहुत ही शानदार योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग इंडिया के स्टार्टअप्स को एम एस एम ई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार खर्च रही है इंडियन बैंक्स ने 23.2 लाख करोड़ रुपीस रकम सुन के हिले ना 22.23.2 तेईस दशमलव दो लाख करोड़ रुपए लगभग 40 करोड़ इंडियंस को 40 करोड़ इंडियन बेनिफिशरीज को लाभार्थियों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मुद्रा लोन के तौर पे दिए गए हैं अब आप कहेंगे मुद्रा लोन ये क्या है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी भारत सरकार की एक योजना चल रही है इस स्कीम के तहत इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है और देखिए क्या ट्रेमेंडस ग्रोथ प्राप्त करी है पिछले आठ सालों में यस इट हैज कंप्लीटेड एट इयर्स दैट इज वाई इट इज ए न्यूज अपने आठ साल पूरा करने पर ये न्यूज में चल रही है स्कीम और ये भारत को इंडिया को भारत क्यों लिखा है यहाँ पे बहुत टैक्टफुली हमने यहाँ पर भारत लिखा है और ना कि इंडिया लिखा है गांधी जी ने कहा था इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस भारत जो है वो अपने गांव में बसता है आज भी देश की दो तिहाई आबादी टू थर्ड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन इट्स रूरल एरियाज गांव में रहते हैं और वही गांव में रहने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पा रहे हैं भारत सरकार की मुद्रा योजना का यह स्कीम जब 8 साल पहले बनाई थी तो टारगेट इतना बड़ा था नहीं और टारगेट हमने अचीव किया यस वी वर एबल टू अचीव द टारगेट बट हाउ वेल कोविड लॉकडाउन में 2020 2021 में इंडियन गवर्नमेंट अपने लोन देने का टारगेट पूरा कर पाई थी उस टाइम पर छोटे व्यापारी जो वापस कोविड लॉकडाउन के इंपैक्ट से लड़कर आगे बढ़ना चाहते थे उस को झेल पाए इंडियन बिजनेसमैन बस इस वजह से कि भारत सरकार ने मुद्रा योजना में लोन दिया 50 परसेंट से ज्यादा फीमेल्स इनफैक्ट 70 प्रतिशत तो फीमेल्स के द्वारा चलाए गए बिजनेसेस को इसका फायदा मिला है फीमेल्स के द्वारा जो छोटे व्यापार चलाए जा रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस उनको ग्रोथ का मौका मिला है थैंक्स मुद्रा योजना तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को यह स्कीम शुरू हुई थी दिस वाज वाज द ईयर व्हेन इट स्टार्टेड तब से लेकर अब तक इट हैज गॉन अ वेरी बिग वे वेरी लॉन्ग वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में अभी बात कर रहे थे तो यह कहा कि इसके तहत आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है फ्री माइक्रो क्रेडिट इसे कहते हैं माइक्रो क्रेडिट जब आप दस करोड़ बीस करोड़ का लोन ले रहे हो वो मैक्रो क्रेडिट है छोटा छोटे अमाउंट का लोन ले रहे हो तो वो माइक्रो क्रेडिट है पचास हजार रुपए तक का लोन लेते हो तो उसको कैटेगरी वन में रखा जाता है कैटेगरी टू में है पचास हजार से फिफ्टी के से फाइव लाख ,00 रुपीज तक का और कैटेगरी नंबर थ्री के अंदर आता है फाइव लाख ,00 रुपीज टू टेन लाख ,00 रुपीज तक का लोन इन तीनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है पहली कैटेगरी के लोन को शिशु लोन कहते हैं शिशु शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा बहुत छोटी रकम है ना इसलिए शिशु कहा जाता है दूसरे को कहा जाता है किशोर किशोर मतलब यूथ थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको किशोर कहते हैं हिंदी में एंड द लास्ट इज तरुण एस के एन टी पांच लाख से दस लाख तक का लोन लेते हो तो इसे तरुण कहते हैं तरुण अच्छा मुद्रा का लोन अगर मुझे लेना है मैं कहां क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट लोन देती है इस मुद्रा स्कीम के तहत मुद्रा नाम का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया, सेट किया है पर यह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली आपको लोन नहीं दे रहा यह देता है पैसा बैंक को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा लोन पे ले सकते हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया कई सारे ऐसी फाइनेंस कंपनी आती है ना जो छोटे लोन दिलवाती हैं आपको ठीक है ना तो उनके थ्रू आपको पैसा लोन पे मिलता है ये डायरेक्टली हमें मुद्रा डायरेक्टली हमें पैसा उधार पे नहीं देती है और यही तो इसकी काबिलियत है यही तो खासियत है दैट पिछले अगर आप देखेंगे कुछ ईयर्स के अंदर द अमाउंट ऑफ लोन विच बीन इंक्रीजिंग कितना सैंक्शन लोन है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखो आप और कितना पैसा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है कहाँ एक लाख करोड़ से बढ़कर आजिए ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू लाख करोड़ रुपीज हो पाया है आज तक आठ सालों में फोर्टी वन करोड़ इंडियन पॉपुलेशन कितनी है देश की वन फोर्टी करोड़

अपने बिजनेस को बड़ा करने का मौका मिलेगा उनको अगर छोटा लोन चाहिए मुद्रा स्कीम अवेलेबल है दैट इज व्हाई इट इज सो फेमस इसमें कुछ खामियां भी हैं कुछ कमियां भी हैं मैं बात बताना चाहूंगा जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चेदंबरम जी ने कही है पी चेदंबरम जी ने क्वेश्चन उठाया है कि मुद्रा स्कीम के तहत मुद्रा लोन के तहत भले ही 41 करोड़ इंडियंस को लोन मिला है सैंक्शन हुआ है पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तेईस लाख करोड़ की रकम में से एटी थ्री परसेंट पैसा मुद्रा लोन का वो इस कैटेगरी वन शिशु लोन की कैटेगरी में आता है ये जो फर्स्ट कैटेगरी है पचास हजार रुपए तक की मतलब लगभग सोलह लाख करोड़ रुपए इस कैटेगरी में गया है चिदंबरम जी ने सवाल उठाया पचास हजार रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू होता है 83 परसेंट मुद्रा लोन 50,000 रुपीस या उनसे कम की कैटेगरी में है तो इन्होंने इस चीज पर क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है लोन का एग्जैक्ट फायदा होगा क्या इन्होंने इस बात पर सवाल उठा दिया इन्होंने सरकार की नियत पर क्वेश्चन नहीं किया इन्होंने कहा कि फ्री लोन मिलता है दैट इज गुड बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिल जाता है यह तो बहुत अच्छी बात है बट अगेन कैसे पॉसिबल है इतनी कम रकम में इंडिया स्टार्टअप कैपिटल बन सकता है स्टार्टअप्स एफिशिएंट हो सकते हैं तो इसी बात पर क्वेश्चन उठाई गई एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लगभग 83 थ्री परसेंट लोन नाइनटीन लाख करोड़ के आसपास का लोन पचास हजार रुपया उससे कम का है तो लोन्स काफी लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है डिसएडवांटेजेस कैटेगरी को एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी ऑनटरप्रनर्स को भी दिया गया है और एक सर्वे के हिसाब से 41 करोड़ लोगों के जीवन को टच किया है एक करोड़ लोगों के लिए नई नौकरी नया रोजगार 2015 से 2018 के बीच इसने क्रिएट किया है 60 परसेंट से ज्यादा नियरली 70 परसेंट फीमेल्स इससे इंपैक्ट हुई हैं और छोटे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है इट हैज डन थ्री थिंग्स फर्स्ट इसने बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया उनको दो जूवर अनबैंकड जिनके पास बैंक खाता भी नहीं होता था सेकेंड इट हैज सिक्योर्ड द अनसिक्योर्ड वो लोन जिनको वो लोग जिनकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट स्कीम्स के हवाले है उनको लोन देकर अपने बिजनेस के लिए पैसा कमाने का मौका दिया है सो इट हैज सिक्योर्ड द अनसिक्योर्ड एंड इट हैज फंडेड अनफंडेड वो लोग जिनको सरकार की योजनाओं का एम चलाने के लिए छोटे बिजनेस चलाने के लिए फंड नहीं मिल पाते थे सोचिए उन छोटे व्यापारियों को भी अब इंडिया के फाइनेंशियल नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट होने का मौका मिला है जिससे इंडियन इकोनॉमी बेसिकली बूस्ट होगी तो दैट इज इट फॉर टुडे तो तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप जरूर से यूपीएससी लाइव कोर्सेज में प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में आके एडमिशन ले सकते हैं कोर्स फीस ज्यादा दिख रही है worry, यह आपको की अगर आप एडमिशन डिस्काउंट कोड लाइव यूज करते हैं आई शो यू आपको एडमिशन डिस्काउंट कोड वसु लाइव यूज करना है वी एस यू एल आई वी जस्ट दैट जस्ट अपलाई ट्वेंटी का वेरी वेरी लो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग आपको टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज मेंस लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड सारे बुक्स मटेरियल नोट्स मेंस के लिए सब कुछ मिलेगा सब कुछ यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ यू कैन गेट हेयर सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वसु कटारा स्टडी आई लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो वसु कटारा स्टडी आई क्यू ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वसु डॉट कटारा वसु डॉट कटारा थैंक यू सेशन को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जरूर आप कनेक्ट होइएगा मेरे सोशल मीडिया पे